सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। जैसे हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने देखा ब्लड में, हमने क्या देखा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। पहले हम देख लेते हैं एक मिनट के अंदर हमारा जो ब्लड का है कंपोजिशन क्या है, क्या कंपोजिशन है, ब्लड बनता कैसे है। एक इसका है लिक्विड पार्ट, एक है सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट एक सॉलिड पार्ट। ये कितना होता है 55%, ये होता है 45% जो सॉलिड वाला होता है। लिक्विड पार्ट ज़्यादा ना तभी तो हमारा खून बहता है ना। और इसमें क्या होता है, फिर इसमें होता है प्लाज्मा। और ये जो जो हमारा लिक्विड पार्ट सॉलिड पार्ट है, इसमें जो सेल होते हैं, सेल वो तीन होते हैं, कौन से, राइट पहले कर लीजिए, रेड आरबीसी, फिर WBC, फिर हमारे क्या होते हैं प्लेटलेट्स। पहली वीडियो हमने पढ़ लिया प्लाज्मा के बारे में। ओके, प्लाज्मा जो है हमारा हल्का पीले रंग का होता है, किसकी वजह से होता है, एक बिली रोबिन नाम का एक जो पिगमेंट बनता है हमारे लीवर के अंदर, वो उसकी वजह से इसका रंग पीला होता है। आज हम बात करेंगे RBC की, रेड ब्लड सेल, जिसको हम असल में खून बोलते हैं। खून हम इसी को ही बोलते हैं ना, बाकी हमें चीज़ें पता नहीं कि कौन कौन सी कहाँ है कितनी है। दिखाई हमें क्या देता है, खून इसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को। और साथ में हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल की। जैसे मैंने पहले बताया, रेड जो हमारा रेड ब्लड सेल है, एक पिगमेंट की वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से ये रेड होता है। ओके, और जो वाइट ब्लड, जैसे नाम से ही है वाइट ब्लड है। अब इसकी जिंदगी कितनी होती है, लाइफ कितनी होती है, इसकी जिंदगी है तकरीबन 120 डेज, और इसकी वाइट ब्लड की है 7 से 10 दिन। ये 100 रेड ब्लड सेल जो है 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, और ये जो है हमारे वाइट ब्लड 7 से 10 दिन तक जिंदा रहते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमारे जो RBC WBC कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर, ठीक है ना, बोन मैरो में बनते हैं, हमारी बोन्स के अंदर बनते हैं। और जो अपना ये है दोनों सेल्स हमारे, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, ये अब थोड़े दिनों बाद मर जाएंगे ना। जैसे मैंने बताया, ये तकरीबन 4 महीने जिंदा रहेंगे, ये 7 से 1 हफ्ता के करीब, तो उसके बाद मरेंगे। ये मरते कहाँ पे हैं, ये मरते कहाँ पे हैं, ये मरते हैं रेड ब्लड सेल लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। आपने कभी स्प्लीन का कोई और काम सुना है? नहीं, स्प्लीन केवल और केवल जो ऑर्गन है हमारा, एक ही काम करता है। वो क्या करता है, जितने रेड ब्लड सेल हैं वो लीवर में वो स्प्लीन में आते हैं, यहाँ आके वो मरते हैं, यहाँ आके उनकी डेथ हो जाती है। अब एक बात हो, बेशक स्प्लीन एक छोटा सा है, इसके अंदर वो केवल 1000 में आते हैं, मगर इसके अंदर, स्प्लीन के अंदर लाख्स में आते हैं, इन लैक्स। जो ये रेड ब्लड सेल है लीवर के अंदर तो हजारों में आते हैं, इसमें लैक्स में आते हैं, लाखों के तादाद में आते हैं। स्प्लीन का केवल एक ही काम है हमारा, जो रेड ब्लड सेल को ये मार देता है, फिर उसके बाद यहां रुकता नहीं है,
थोड़े टाइम के बाद ये दोबारा से फिर रीजनरेट शुरू होने शुरू हो जाते हैं। यही जो आरबीसी है स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर नहीं, रीजनरेट होती है, फिर दोबारा से रेड ब्लड बनने शुरू हो जाते हैं और इन ब्लड सेल को ये स्प्लीन अपने अंदर स्टोर करके रख देती है। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ये हमारा बैंक है। कौन सा बैंक है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का ये हमारा बैंक है। स्प्लीन जो है क्या है? बैंक ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल का ये बैंक है। इसमें मरते भी हैं, इस पर रीजनरेट भी होते हैं, फिर ये उसको स्टोर करके रखता है। जब कभी हमें चाहिए होते हैं तो यहाँ से ये ट्रांसफर कर देता है। और जैसे हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप के अंदर, ब्लड ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे रेड ब्लड सेल है उनकी शेप क्या होती है? राउंड, पूरा पड़ा था राउंड होती है। और जो ये है हमारा व्हाइट ब्लड सेल, इसकी शेप क्या होती है? इनकी कोई शेप नहीं होती, किसी भी शेप के ये हो सकते हैं। ओके, अब आरबीसी का काम क्या है? जो रेड ब्लड सेल का मेन काम क्या है? हमने पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं सांस लिया हमने हमने नाक से जो सांस लिया उसमें से क्या जाता है? उसमें से कभी आपसे कोई पूछे जो हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? कभी आपने ऑक्सीजन नहीं बोलनी, O2 नहीं बोलना, ऑक्सीजन नहीं लेते हम हवा के अंदर जो भी हमारे और भी चीजें हैं सब कुछ लेते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी जितनी गैसेस हैं वो लेते हैं, धूल मिट्टी का वो लेते हैं, अब पराली का धुआं आ गया वो भी ले रहे हैं, अगर गाड़ियां चल रही हैं वो लेते हैं हम, कोई पड़ोस में हमारे बैठ के सिगरेट पी रहा है उसका धुआं भी लेते हैं, वो सारा घन माल सब हम यहाँ से लेते हैं, एयर लेते हैं हम। कभी हमने ये नहीं बोलना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं लेते हम ऑक्सीजन, हम एयर लेते हैं। फिर ये हमारी जो हवा विंड पाइप के थ्रू कहाँ आ गई? हमारे लंग्स के अंदर। हमने पढ़ा था लंग में से वो क्या होता है? ऊपर से ऑक्सीजन आई, ठीक है, यहां से ब्लड जा रहा है, ब्लड के अंदर ये एयर आई, इसमें से ब्लड ने इसको ऑक्सीजन सोख किया और बाकी सारी गैसेस को वापस भेज दिया कि तेरी हमें जरूरत नहीं है तो बाहर जा, केवल ऑक्सीजन को रखा और सब गैसेस को, जितनी गैसेस थी उन सबको बाहर भेज दिया। ओके, अब मेन जो हमारा काम है वो क्या है? रेड ब्लड सेल का ये है, इसके अंदर ऑक्सीजन आदि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन इसमें सप्लाई करना है, ठीक है। अब रेड आरबीसी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं रेड ब्लड सेल की वजह से, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं? एक तो जिसको हम बोलते हैं खून की कमी, अनीमिया बोलते हैं,
एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी कब होती है? जब आरबीसी की रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं इसके अंदर खून की कमी हो गई। ओके, अब दूसरी बीमारी क्या है? अगर ये रेड ब्लड सेल बढ़ने शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा हमारे शरीर के ऊपर काले काले स्किन के ऊपर थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, वो रेड ब्लड सेल की वजह करके ज्यादा बनने से हो जाते हैं। उसको कहते हैं पोलसाइथीमिया। पोलसाइथीमिया कहते हैं जो हमारे थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, वो रेड ब्लड सेल की ज्यादा क्वांटिटी बनने के कारण होता है। एक होल जो बीमारी है वो है थैलासेमिया। थैलासेमिया जो है बीमारी बच्चों में ज्यादातर होती है। आपने देखा होगा कि जो हमारा मैंने अभी बताया था आपको रेड ब्लड सेल है, इसका स्पैन, इसकी जिंदगी कितनी होती है? 120 दिन के आसपास। अगर इसका स्पैन कम हो जाए, आधा रह जाए, 50-60 दिन रह जाए, अब 50-60 दिन रह गए, जल्दी जल्दी खत्म हो गए हैं, तो इस बीमारी को कहते हैं थैलासेमिया। ये बच्चों में होती है, आपने देखा होगा जिन बच्चों में बीमारी होती है उनको बहुत जल्दी जल्दी से खून उनके अंदर चढ़ाया जाता है, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है हर 15-20 दिन में या एक महीने के बाद। अब कितनी उनकी क्वांटिटी कम है आरबीसी की, उसके हिसाब से उनको जल्दी जल्दी खून दिया जाता है। तो ये तो थी 3-4 बीमारियां इसके बारे में। अब उम्मीद आपको रेड ब्लड सेल के बारे में काफी कुछ समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो के अंदर हम व्हाइट ब्लड सेल और हमारे क्या लगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इनके बारे में बात करेंगे। तब तक ले नमस्कार, हैव अ नाइस डे।